स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले आप इन वाक्यों को देखो। वह अंग्रेजी जानता तो है, मैं गणित पढ़ता ही तो हूँ, वह टेनिस खेलती तो है, वह मुझसे मिला तो था, मैंने उसे पत्र लिखा तो था। अब आप देखो कि इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बोलचाल में प्रतिदिन करते हैं। अर्थात यदि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर यदि आप पहले से ही इंग्लिश स्पोकन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अपने बोलचाल में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और आप इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अपनी बोलचाल में तब कर पाएंगे जब आपको इन सेंटेंसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पता होगा। मैं आपको इस तरह के अनेकों सेंटेंसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको केवल एक स्ट्रक्चर बताऊंगा और उस एक स्ट्रक्चर की सहायता से आप इस तरह के अनेकों सेंटेंसेज को हिंदी से इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बताने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज और डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस एक स्ट्रक्चर की सहायता से आप इस तरह के अनेकों सेंटेंसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, वह अंग्रेजी जानता तो है, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, तो पहले हम ही प्रयोग करेंगे। ही के बाद ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर डज प्रयोग में आएगा, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ही डज, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, जानना, नो, तो ही डज नो। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, और अदर वर्ड के रूप में यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। अर्थात वह अंग्रेजी जानता तो है, ही डज नो इंग्लिश। मैं गणित पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड मैथ्स, आई डू रीड मैथ्स। वह टेनिस खेलती तो है, सी डज प्ले टेनिस, सी डज प्ले टेनिस। वह मुझसे मिला तो था, ही डिड सी मी, ही डिड सी मी। मैंने उसे पत्र लिखा तो था, आई डिड राइट ए लेटर टू हिम, आई डिड राइट ए लेटर टू हिम। वह यहाँ आई तो थी, सी डिड कम हियर, सी डिड कम हियर। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेज और हैं। मैं मछली खाता तो हूँ, तुमने मुझसे कहा तो था। अब आप इस दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करो। यदि आपका जवाब सही होगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।